दोस्तों, आज जिन दो शेयर्स के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं उस पर कंटिन्यूसली हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स यहां पर देखने को मिलती है कि सर अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या फिर टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो किसी शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कुछ चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजिशंस कैसी है, शेयर्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और पास्ट में उसके रिजल्ट कैसे आए हैं। तो इन दोनों शेयर्स के बारे में यानी कि टाटा पावर और अडानी पावर के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पावर सेक्टर के शेयर्स थोड़े से यहां पर उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है वो काफी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस पे हमेशा से लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप इन दोनों शेयर्स के अंदर किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अडानी पावर का शेयर्स अभी 89 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है और इस शेयर की एक ये खासियत है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट और अपर सर्किट देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अडानी पावर के शेयर्स की खासियत ही यही है कि इसके अंदर या तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है या एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ये शेयर्स कभी भी किसी भी प्राइस पर स्टेबल नहीं रहता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस परफॉर्मेंस को छोड़ दें यानी कि हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें तो इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली लोअर सर्किट देखने को मिल रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको वापस इसके अंदर अपर सर्किट को देखने को मिला है। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया कि अडानी पावर का शेयर एक ऐसा है कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम इसके पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स तो अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बनाकर दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर की कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बनाकर नहीं दिए। अगर आप अडानी पावर के भी रिजल्ट देखेंगे पास्ट ईयर्स के, तो यहाँ पर भी आपको जो इसका हाई है वो सिर्फ 150 के अप्रोक्स देखने को मिलेगा, हालांकि उसके बाद में आपको सिर्फ इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं 24 सितंबर 2010 की, तब जाकर इसने 136 यानी कि 136 रुपये के हाई को टच करा था। उसके बाद में आपको कंटिन्यूसली इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि अब इस शेयर्स के अंदर आपको थोड़ा सा जम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर अडानी पावर्स के शेयर्स के बारे में हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अगर उसकी तरफ नज़र मारें तो डिलीवरेबल बेस काम काफ़ी अच्छा हो रहा है अडानी पावर के अंदर। 31.42% की डिलीवरेबल बेस काम हो रहा है अडानी पावर के अंदर। सबसे मेन ट्रिगर जो निकल कर आता है वो आता है फाइनेंशियल कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो आप अडानी पावर के रिजर्व एंड सरप्लस की को देखेंगे तो आपको थर्ड ईयर के क्वार्टर में आपको रिजर्व एंड सरप्लस कम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चल रही है पावर सेक्टर के अंदर, ये चीज़ तो आपको हर एक कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्जा आपको हर एक कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ नज़र मारेंगे तो अडानी पावर के अंदर क्वार्टर टू में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी वो थी 8374 करोड़ की, और अगर आप यहाँ पर क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो 3112 करोड़ की बोरोइंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालाँकि इस बोरोइंग्स में काफ़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आप किसी भी शेयर्स को यहाँ पर देखेंगे पावर सेक्टर के अंदर तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप अगर अडानी पावर के अंदर देखेंगे तो 2364 करोड़ रुपए से 2589 करोड़, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपको थोड़े से फिगर्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो कैश बुक किया है वो है 101 करोड़ रुपए का। तो कैश के मामले में तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाली पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको यहाँ पर क्वार्टर सेकंड के कंपेयर में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, यानी कि इसका ग्राफ वापस डाउनफॉल में आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो उसमें तो आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सेकेंड ईयर के कंपेयर में थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर के कंपेयर में आपको थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू कम देखने को मिलेगा।
और सबसे मेन पॉइंट नेट प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जितने भी क्वार्टर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक में, आपको सभी के अंदर सभी क्वार्टर में लॉस देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम सिर्फ एक क्वार्टर को यहाँ पर स्किप कर दे तो क्वार्टर सेकेंड में आपको अडानी पावर के शेयर्स के अंदर नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली थी, यानी कि लगभग कंपनी ने 2228 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। हालांकि इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रही है उसके अंदर नेट प्रॉफिट बढ़ना, और नेट प्रॉफिट भी इतनी तेज़ी से बढ़ना, यानी कि 2228 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है। और उसी के बाद में आप अगले क्वार्टर में देखेंगे तो अगले ही क्वार्टर में आपको वापस लॉस देखने को भी मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। इसी के बाद अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने जो यहाँ पर होल्डिंग्स कवर कर रखी है वो है 75% की। फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 11.54 की यहाँ पर परसेंटेज की यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स कवर कर रखी है। DII ने यहाँ पर 7.34% की यहाँ पर होल्डिंग्स कवर कर रखी है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर लगभग 6.25% की होल्डिंग्स को यहाँ पर कवर कर रखा है। तो ये तो बात हो गई अडानी पावर के। अडानी पावर के कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ, उसे यहाँ पर अडानी पावर से कंपेयर करके देखते हैं कि कौन बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर बनाकर दे रहा है। टाटा पावर की अगर बात करते हैं तो टाटा पावर के अंदर भी अगर आप फिगर्स देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पर आपको शेयर्स प्राइस के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी, यानी कि 2% की तेज़ी आपको यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिली थी। हालांकि टाटा पावर के अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा पावर ने भी कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम का चार्ट देख सकते हैं टाटा पावर का भी। टाटा पावर का टारगेट भी, यानी कि हाईएस्ट प्राइस भी आपको 170 से 180 के आसपास ही अप्रॉक्स ही देखने को मिलेगी, और ये टारगेट प्राइस भी आपको 2008 के अंदर ही देखने को मिलेगा। हालांकि वापस अब टाटा पावर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी है, लेकिन पावर सेक्टर को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी अगर रिस्क लेवल बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर टाटा पावर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो डिलीवरेबल बेस्ड काम हुआ है अगर उसकी तरफ नज़र मारें तो यहाँ पर डिलीवरेबल बेस्ड काम आपको अडानी पावर के कंपेयर में थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर 16.94% की डिलीवरी बेस्ड काम उठाया गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 1 अप्रैल के दिन। अब बात कर लेते हैं टाटा पावर्स के यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर 13,491 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस बुक किया है यहाँ पर टाटा पावर ने Q3 के अंदर, और अगर आप उसे Q2 से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉमिनल चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ नज़र मारेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर सेकंड के अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी वो थी 8,749 करोड़ की, और जो क्वार्टर थर्ड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो है 9,825 करोड़ की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप अगर पावर सेक्टर की किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं और अगर आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो आपको सभी पावर सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे भी नज़र मारेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको Q2 में 6,731 करोड़ रुपए की देखने को मिली थी, और Q3 में आपको ये 6,212 करोड़ रुपए की देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे जो Q2 है उससे यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। इसके बाद अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ नज़र मारें तो कंपनी ने यहाँ पर 178 करोड़ रुपए का कैश बुक किया था लास्ट क्वार्टर में। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी ने दिसंबर 20 के कंपेयर में दिसंबर 2020 यानी कि क्वार्टर थर्ड में जो यहाँ पर रेवेन्यू बुक किया है वो क्वार्टर सेकेंड के कंपेयर में तो कम है, लेकिन ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर अडानी पावर और टाटा पावर के अंदर कंपेरिजन में जो टाटा पावर को बेस्ट बनाता है वो है इसका पर नेट प्रॉफिट। कंपनी ने हमेशा से अपने इन्वेस्टर्स को नेट प्रॉफिट बनाकर दिया है, कंपनी ने हमेशा से अपने शेयर होल्डर्स को यहां पर नेट प्रॉफिट बनाकर दिया है। अगर आप यहां पर ईयर टू ईयर भी देखेंगे या फिर लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो कंपनी यहां पर प्रॉफिट में ही आपको दिखाई देगी, यानी कि कंपनी ने किसी भी ईयर में, यानी कि किसी लास्ट वन ईयर की बात करें तो लास्ट वन ईयर के अंदर किसी भी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने लॉस बुक नहीं किया है, जो कि यह टाटा पावर को लेकर एक एडवांटेज निकल कर आता है। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के अंदर 166 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 46.86% प्रमोटर्स होल्डिंग्स करते हैं शेयर्स को। अगर हम ईयर टू ईयर बात करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर 12.44% फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स होल्ड करते हैं। उसके बाद में DII की बात करें तो 24.53% DII होल्डिंग करती है और 16.18% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग्स करती है। तो अब बात आ जाती है अडानी पावर और टाटा पावर के लास्ट 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अडानी पावर ने लास्ट 3 मंथ में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 76% का रिटर्न बना कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अडानी पावर एक ऐसा शेयर है कि इसके अंदर आप कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। ये एक ऐसा शेयर है, इसके अंदर कभी भी आपको अपर सर्किट देखने को भी मिल जाते हैं, कभी भी आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो शेयर्स अभी 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यही शेयर आपको 1000 रुपये पर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है और यही शेयर आपको 10 रुपये पर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाता है। यानी कि अडानी पावर के शेयर्स के अंदर रिस्क लेवल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रॉफिट कमाने का यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ अगर हम टाटा पावर्स के लास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन देखेंगे तो टाटा पावर ने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 27% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और टाटा पावर के साथ 2 पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है कि टाटा पावर्स ने अपने हर एक क्वार्टर में, हर लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बुक किया है और इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी इम्प्रूव हो रही है, तो ये इसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है। हालांकि अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो दोनों ही शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं जब से ये इनकी लिस्टिंग हुई है। अडानी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 14.67% का नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है लाइफ टाइम में, और टाटा पावर ने 18.85% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को लाइफ टाइम में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप टाटा पावर या अडानी पावर के अंदर किसी भी शेयर्स के अंदर दोनों में से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली टाटा पावर ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि टाटा पावर के साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आती है। हालांकि क्वार्टर फोर के रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर होने वाले हैं, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं किसी भी शेयर्स को एनालिसिस करने के लिए।